हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और कॉलेजेस के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है एमसीसी के थ्रू। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और राउंड टू में करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो, ये ऑफिशियल नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रिलेटेड की हर टाइप के इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, नीट यूजी राउंड टू की काउंसलिंग जो है अब आपकी स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया कोटा की, और स्टेट कोटा के अंदर राउंड वन का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले एक अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और कॉलेजेस के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइज, ये आपका लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, एमसीसी के थ्रू जारी किया गया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग है वो हम देख लेते हैं। तो राउंड वन यूजी काउंसलिंग का जो रिजल्ट है बहुत पहले आपका आ चुका है। रिपोर्टिंग शेड्यूल का जो टाइम था, 28 अक्टूबर लास्ट डेट थी, जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए थे वो उनको रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है जो कैन रिजाइन द सीट, जो राउंड वन की सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, कब से कब तक, टिल 7 PM ऑफ 2nd November 2022। इसके बाद विच दे विल बी कंसिडर as part of round 2 and same rules will apply on them as applicable of round 2 of counseling. ठीक है, उसके बाद round 2 के counseling के लिए वो applicable हो जाएंगे और same rule उनके ऊपर apply रहेंगे जो बाकी सभी students के ऊपर होंगे। तो candidates को advise किया जाता है कि वो सुनिश्चित कर ले अपने resignation letter को, जो कि online MCC के portal के through provide करवाया जाएगा, वहाँ से generate होगा by the allotted college, तो वहाँ से आपको generate कर लेना है। अगर आप resignation में fail हो जाते हैं तो आपको नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो वो जनरेट करना बहुत ही जरूरी है। इन सच अ केस कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल एंड रूल्स ऑफ राउंड टू विल अप्लाई। एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन लेटर। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, आपको पहले जनरेट करना ही पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से, आफ्टर दैट आप कंसिडर माने जाएंगे राउंड टू के काउंसलिंग के लिए, क्योंकि पहले आपको अपनी सीट को रिजाइन करना पड़ेगा। इन केस कैंडिडेट गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, हाँ, अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं राउंड टू में, पार्टिसिपेट इन राउंड टू काउंसलिंग बट इज नॉट अपग्रेडेड, ही और सी कैन नॉट रिजाइन द सीट अलॉटमेंट इन राउंड टू एंड विल हैव टू रिटेन द सीट। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट मतलब रिजाइन ना करके अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं और राउंड टू में यदि उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो उनको एज इट इज उनकी सीट वापस से मिल जाएगी। ठीक है, इन सच अ केस रूल्स ऑफ राउंड टू विल अप्लाई सिंस द कैंडिडेट हैज एक्सरसाइज चॉइस एंड पार्टिसिपेटेड इन राउंड टू। देर इज नो ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन इफ कैंडिडेट इज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड टू। राउंड वन ज्वाइन कैंडिडेट्स हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड टू नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड वन विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ राउंड टू आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है गाइस। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जो सीट को रिज़ाइन करना था, वो टाइम दिया गया था 2nd November, तो अब आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, सॉरी सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए अटेंशन नोटिस था, जो भी स्टूडेंट अपग्रेड करना चाह रहे हैं और जो भी अपनी सीट को रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।